हमीरपुर के हाई स्कूल खेल मैदान में दो दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता में 27 सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले खिलाड़ी धर्मशाला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले दिन प्रतियोगिता में अव्वल रहे खिलाड़ियों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का समापन डिप्टी डायरेक्टर सोमदत्त सांख्यान ने किया और विजेता टीमों को इनाम बांटे। वहीं एडीपीओ मस्त राम बडियाल ने कहा कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में दौड़, डिस्क थ्रो, खो खो, लंबी कूद के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई गई। उन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। जो प्रथम एवं द्वितीय आए हैं उनको हमने राज्य स्तरीय दौड़कूद प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट किया है। इसमें हमारे लिए 14 लड़के और 14 लड़कियां ले जाने के लिए कहा गया है राज्य स्तर से। तो जो हमारे पास सेकंड हैं वो बच्चे जाएंगे और जो 4x100 की टीम है उसमें से जो बेस्ट बच्चे होंगे बीच में से ही छांट कर हम 4x100 की भी टीम बनाएंगे। हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है एथलेटिक्स में। लास्ट ईयर हमारे बेटियों ने चंबा से ऑलराउंड बेस्ट की ट्रॉफी जिला हमीरपुर के लिए लाई है और इस बार भी हम प्रयासरत हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो राज्य स्तर पर करेंगे। और हमने कोचिज वगैरह लगाए हैं, कोचिज जो हैं वो गहन प्रशिक्षण बच्चों को देंगे। 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक यहाँ डुग्गा में कोचिंग कैंप चलेगा। बच्चों जैसा कि आप सबने सुना कि हमारा जो हमीरपुर जिला है एक छोटा सा जिला होने के बावजूद भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है सभी क्षेत्रों में। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम नंबर एक पर हैं ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी पीछे हैं। उन प्रतिभागी बच्चों को तो बधाई देता ही हूं कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है, लेकिन उनके साथ में हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं, डीपीज हैं, पीटीज हैं या दूसरे अध्यापक वृंद हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनका कुशल मार्गदर्शन उनको मिला है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है।